हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रॉप प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर आ चुका है आप लोगों का, दिनांक 24 जुलाई 2024 को इस लेटर को क्रिएट किया गया है, नोटिस को। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और ये भी बता दूंगा प्रैक्टिकल कहां पर होगा, किस तरीके से होगा, सारा कुछ बता दूंगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, कतिपय परीक्षार्थियों द्वारा अवगत कराया गया है कि LLB तृतीय वर्ष एवं BEd चतुर्थ सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा छूटने के कारण परीक्षा परिणाम अपूर्ण है उन स्टूडेंट्स का। आपको पता ही होगा, आप लोगों के रिजल्ट स्टेटस में प्रैक्टिकल वाले पोर्शन के सामने AB एब्सेंट लिखा आ रहा होगा, चाहे आप लोग प्रैक्टिकल ना देने गए हो या फिर आप लोगों का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया हो। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ पता होगी, जिसके फलस्वरूप वे आगामी कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है जी, तो माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार LLB तृतीय वर्ष एवं BEd चतुर्थ सेमेस्टर की छूटी हुई प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु आवेदन, ठीक है, इसके भी फॉर्म फिल होंगे 25/7/2024 से। ठीक है, मतलब 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपके कॉलेज वालों के थ्रू। ठीक है, आपके कॉलेज वालों के थ्रू आपके रीप्रैक्टिकल के फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, और 31/7/2024 तक ये फॉर्म फिल होंगे वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से। ठीक है, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर अपने कॉलेज वालों के थ्रू करा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपने कॉलेज कॉन्टैक्ट करना है, उनको बोल देना है, वो अपने हैंड से कर देंगे, आपसे वो कुछ पैसे लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। जो आप लोगों की प्रैक्टिकल जो डेट है, अभी डेट नहीं आई है, न्यूज़ आई है कि आप लोगों के जो ड्रॉप प्रैक्टिकल हैं LLB तृतीय वर्ष और BEd चतुर्थ सेमेस्टर के, जिन भी स्टूडेंट्स के प्रयोगात्मक परीक्षा छूट गई थी, उनको फिर से जल्दी मौका दिया जा रहा है, और उसके लिए जो फॉर्म है वो 25/7/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और 31/7/2024 को एंड हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है, इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो केंद्र बनेंगे। जैसे मान के चलिए एटा है ना, तो एटा में जो केंद्र बनता है वो बनता है JLN, ठीक है, JLN, और हाथरस में मान के चलिए PC बागला। इस तरह से ये अलीगढ़ और कासगंज में भी केंद्र बनेंगे। बाकी जितने भी केंद्र रहेंगे उनकी सूची अलग आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, है ना। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल छूट गया था, आप लोग फाइनली अपनी ईयर कंप्लीट कर सकते हो, री का फॉर्म फिल कर देना, आफ्टर दैट आपका प्रैक्टिकल होगा, एक महीने के अंतर्गत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गई वाली चीज़, तो यही अपडेट करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।